What's going on guys, RG here, मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके मैन वर्सेस वाइल्ड। जी हाँ, पूरब भाई की वीडियो आ गई है, पूरब झा की वीडियो आ गई है। मैन वर्सेस वाइल्ड मोस्ट अवेटेड वीडियो थी, एपिसोड वन आया है। बियर ग्रिल्स भाई साहब, आदिवासी पूरब झा, क्या लिखा हुआ टाइटल के अंदर, एपिसोड वन है ये भाई, मतलब कितने आने हैं। चलो देखते हैं, काम करते हैं, लेट्स वॉच मैन वर्सेस वाइल्ड बाइल्ड बाय पुहर जा, पुहर जा नहीं, पूर अब जा, मतलब ठीक है, चलता है यार थोड़ा थोड़ा। एंड भाई मजा आएगा, लेट्स गो फॉर दिस। वो कहते हैं ना, मैं बियर ग्रिल्स हूं, अपनी जिंदगी को मैंने बहुत कुछ दिया और बदले में आज उसने ही मार ली। पर क्लॉडिया, तुम मुझसे ब्रेकअप करना क्यों चाहती हो? क्योंकि तुम गंजे हो रहे हो बियर। पहले तुम डैडी लगते थे, अब तुम पापा लगते हो। कितनी बार मैंने बोला हेयर ट्रांसप्लांट करा लो, पर तुम होगी अड़े रहे, नहीं लेनी टेक्नोलॉजी की मदद। नेचर के पास हर चीज का इलाज है, नहीं होता नेचर के पास हर चीज का इलाज। और दूसरी बात, मेरी लाइफ में कोई और आ चुका है। क्या सुंदर बाल है उसके, उफ। वैसे भी बियर, मुझसे वापस आने की वापस बुला कौन, वैसे भी बियर जूठी थाली पे मुंह नहीं मारता। नेचर की मदद से उगाऊंगा ताकि तुम्हारे एटीट्यूड पर मूझ सकूं। हमने तने दिल दिया था, तने दिल की भेंट चो। बियर, तुम हरियाणवी कब से बोलने लगे? क्योंकि बियर ग्रिल्स भी जाट है। थैंकफुली ये नहीं बोला, बियर ग्रिल्स भी एल्विस भाई को देखता है। मैं बोल सकता था, ये पूरा जाए भाई। क्या बात है, मैं हूँ बियर ग्रिल्स। दुनिया की खतरनाक जगहों पर जाकर अपनी बहादुरी का परचम लहराने वाला ये शेर आज एक मादा से गांड पर लात खाकर आया है, और अब ये जख्मी शेर आ पहुंचा है मैसूर के घने जंगलों में अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेने अपने दोस्त के साथ। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं घने जंगलों में, जहाँ का तकरीबन तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है। तो बिंदु, जिस चमत्कारी आदिवासी तेल की खोज में हम लोग निकले हैं, क्या उससे मेरे बालों का? अबे यार वो विजुअल गंदा था यार, लिटरली जी बहन चोद कोई खाना खा के बैठा होगा आदमी। थैंकफुली जन्म हो पाएगा? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तेल में भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, जिससे बियर के सिर पर भालू जैसे घने बाल आएंगे। अमेरिका के अनिल कपूर बनने वाले हो तुम। अमेरिका के अनिल कपूर को उसकी औकात दिखा पाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, देखो गलत बात, इस जंगल में वैसे भी बहुत जहरीले पौधे हैं। तुम अपने मुंह से और जहर मत उगलो बियर, भूल जाओ क्लॉडिया को, मूव ऑन मूव ऑन। मासी की बेटी नहीं है, मैं जो चाहे उसे बोल सकता हूँ, और मेरा मन करेगा तो मैं तेरी गांठ भी तोड़ सकता हूँ। तो तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम हमारी जर्नी में आ सकती है। वो ये है कि मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ अपनी इस जर्नी में, बहुत देशों में घूमा हूँ, तो मेरे अंदर एक प्रॉब्लम आ गई है जिसका नाम है MLD। MLD का मतलब है मल्टीपल लैंग्वेज डिसऑर्डर। मेरे अंदर से कब कौन सी लैंग्वेज निकल जाए खुद मुझे भी नहीं पता होता। ओके, इट इज लुकिंग एक्सट्रीमली फनी राइट नाउ। कौन सी लैंग्वेज निकल जाए मतलब? ओ दादा, मतलब ये अभी आमी बंगाली आछे, पर दादा I don't know what language will come next. तो आएगा लवीर जी। ऐ जेडी छोटी सी प्रॉब्लम है जी, बाकी सब चंगा है। चलो अब छेती छेती। ये कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आया भाई। तेल ढूंढेंगे। चलो। बहन चोद। आए। चलते चलते तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं, पर अभी हमें उस नदी के पार जाना है, क्योंकि वहाँ तापमान भी कम है और हरियाली भी ज्यादा है। पर तबियत खराब हो रही है, क्यों बिंदु? जी जनाब, मेरे दिमाग में ना अक्षय कुमार और बियर ग्रिल्स और मोदी जी और बियर ग्रिल्स वाला आ रहा, वो मतलब एपिसोड भाई नेक्स्ट लेवल थे वो। तबियत तो थोड़ी नासाज लग रही है, पर कोई बात नहीं, बस 2-3 घंटे का गेम और बचा है। सो लेट्स डू इट माय सन, वी डोंट हैव ऑल डे, वी हैव टू डू इट, डोंट बी अ पुसी, कम ऑन। ये मिक्स ब्रीड का कुत्ता मेरे मत्थे के साथ डॉगी स्टाइल कर रहा है,
बट कोई बात नहीं, मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि इस जंगल में आना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। यहाँ हर कदम पे मौत का खतरा है। अबे भाई पीछे बंदा आ गया इतने में। छोटी चीजें आप कहीं भी जाके आपकी जान जा सकती है, एक गलती और अबे ये इंडिया के जंगल है। ये ऑर्डर है किसी ग्रिल्ड बुर के नाम से, जानते हो? बियर ग्रिल्स चूतिये। अच्छा तुम ही हो क्या? ग्रिल्ड बुर। यार ये फटाफट इस पे साइन मारो इधर और फ्री करो। चल पकड़ो पैकेज। इन्हें की मंगाया? तो की मंगवाया यार इन्हें, मैं देखना चाहता हूँ एक्चुअली। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आना आम आदमी के बस की। जंगली मक्खी थी पर इसका स्वाद काफी कड़वा है। पानी का बहाव काफी तेज है, है? पर मुझे कैसे भी इस बहाव को चीरते हुए उस पार पहुंचना पड़ेगा, उस तेल तक पहुंचना पड़ेगा। और तेल को, अरे भाई हमारी मदद करेंगे वहां के रहने वाले आदिवासी लोग। जी हाँ, पिछले 3 घंटे से गहरे पानी में मैं और बिंदु। डोंट टेल मी पूरन झा इज डूइंग आदिवासी तेल जाड। आज की डेट में हर इन्फ्लुएंसर कर रहा है भाई। मैं तो देख रहा था मेजर गौरव आर्या भी कर रहे हैं, अलग लेवल। बिंदु क्या हाल हो रखा है? तो बिंदु लगता है बिंदु डूब गया है गाइस। क्या है चाली चालू है रे तेरा? ओवर एक्टिंग का वड़ा पाव खा के आया है क्या तू? मुंबई ओला बोट सर्विस से बाबू को बुलाया है। खड़ा हो चुपचाप चूतिया। मुंबई पूरे मोमेंट की मां बहन कर दी बिंदु है। ये जंगल कितना खूबसूरत है ना बिंदु। कभी कभार मुझे लगता है कि मैं मोगली हूँ, मेरे चड्डी में फूल भी खिला है। क्या तुम देखना चाहोगे? अरे बिल्कुल, चड्डी में फूल नहीं खिलता, वो चड्डी पहन के फूल खिला है। गधा उका यार। चलो 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 आदिवासियों से मिलना है। यस। ओह शिट, ये रास्ते काफी टफ हैं। शायद मेरे पांव में कांटा लग चुका है। उस नदी ने मेरे को बिल्कुल वेट कर दिया। काश मैं उस नदी की तरह होता। बेस्ट पार्ट इज कपड़े ऑलमोस्ट सेम सेम से डाले इसने। अरे यार मतलब अलग लेवल। तो आज मेरी और मतलब लिटरली कभी भी तुम ना ये क्या कहते हैं मैन वर्सेस वाइल्ड बियर ग्रिल्स वाली ना इंग्लिश में देखना, सेम एपिसोड हिंदी में देखना। अरे इतनी बकचोदी है हिंदी डबिंग में, अलग लेवल। बंदी भी मुझसे बहुत खुश होती। बट थैंक्स टू यू बिंदु कि तुमने मेरे कपड़े चेंज करवा दिए, नहीं तो गीले कपड़ों में मुझे इन्फेक्शन हो सकता था। ये कहाँ गया? अच्छा हाँ संभल के, ये आदिवासी हैं। अगर हम इनके पास जाएंगे तो ये घबरा कर हम पर हमला भी कर सकते हैं। देखो उसका पंजाबी बनाया, कहता अगर तू इनके पास जाएगा तेरे में हमला करेगा। पेंच बिंदु पीछे, देखा तुमने ये लोग शांति में रहते हैं? क्योंकि इन्हें शांति में रहना बहुत ही ज्यादा पसंद है। हमें हर कदम सूझबूझ के रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने जरा सा भी शोर किया तो वो बहुत तकलीफ में आ सकता है। व्हाई एवरी आदिवासी इज बीइंग पोर्ट्रेट लाइक जिंगा लाला हू? मेरे को ये समझ में नहीं आया आज तक कंसेप्ट ना यार। ये बालों ने आज बड़ा परेशान करा, टिक ही नहीं रहे, कटाने पड़े। मन लगता एन नहीं करा लेना मैं। वाहिं चोर वाहिं चोर, ये तो दूरदर्शन की पै। अच्छा ये शिफ्टेड टू बिहार। मैं भी एकदम पंजाबी बोलते बोलते पंजाबी भैन चोत से वाहिं चोत कहाँ से हो गया ये? वाहिं चोर आया, ये तो दूरदर्शन की पैकेजिंग में नेटफ्लिक्स का शो चल रहा है। सही कहा बिंदु। वैसे बिंदु तुम्हें आदिवासी भाषा आती है? हैं? ये तो उधर चला गया। क्या था वो? मुंडा डोजरा टेल मी, क्या था वो
कौन से थे वो? काल के। वाओ, तो बिंदु चलो उनसे बात करते हैं आराम से, वो तुम पे हमला भी कर सकता है बहुत आराम से। पहले तुम मरो बिंदु, आ जाओ आगे चलो आगे चलो। इस वीडियो को ना राजा मौली तक जरूर पहुंचाना, उसको जरूर काम मिल जाएगा बिंदु को। समझौता करने आए। अबे गांड के अंदर हिंदी आती है मुझे, दिल्ली से हूं मैं, स्ट्रेट फ्रॉम पीतमपुरा। हैं, हाथ में दारू की बोतल देख के पता नहीं चला सत्य दिल्ली में बैंचोत। पता लग गया। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ ही नहीं यार, सिटी लाइफ से ना मन उब गया था मेरा, तो सोचा घूमते फिरते फिर इधर आ गया और यहाँ पे ऐसा मन लगा कि यहीं का रह गया। बाकी इधर खुली हवा, साफ जगह, बढ़िया लोग, मजा आ जाता है। बस कभी कभार लोग कहाँ हैं? लेकिन तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? एक्चुअली हम यहाँ एक मिशन के लिए आए हैं। यस, यू लुकिंग माय मेन हियर, ही सफरिंग फ्रॉम गांजापन, ही नीड्स मैजिकल ऑयल, दैट आदिवासी ऑयल, डू यू नो वेयर इट इज? डू यू नो वेयर इट इज? अरे उसे बनाने के लिए तुम्हें जड़ी बूटियां इकट्ठी करनी पड़ेंगी और उसमें तुम्हारी मदद हक्की पिकी कम्युनिटी के लोग ही कर सकते हैं। आ जाओ मैं तुम्हें मिलवाता हूँ उनसे। मैं समझ गया था ये उधर को ही जा रहे हैं। आ जाओ। ओह थैंक यू, ही इज सच अ गुड मैन। थैंक यू जंगली, थैंक यू जंगली, गुड मैन। आ जाओ मेरे पीछे आओ। अरे आराम से, आराम से, सॉरी मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया हूं। आ जाओ आ जाओ, इधर इधर से, इधर से। अरे वो रे हक्की पिकी कम्युनिटी के लोग, ये तुम्हारी मदद करेंगे, आ जाओ। हक्की पिकी, हक्की पिकी। तो गाइस दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी हक्की पिकी कम्युनिटी के लोग, जो कि सालों से ये चमत्कारी तेल बना रहे हैं और आज ये हमारी मदद करेंगे उन चमत्कारी तेल की सामग्री ढूंढने में। क्यों आप करोगे? ये पिटेगा पक्का। हमारी मदद? अरे पागल हो क्या, हम क्या करेंगे? करोगे ना हमारी मदद? अरे सर 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 सर, एक मिनट एक मिनट, आ जाओ आ जाओ, हम जड़ी बूटी तोड़ने के लिए आए हैं। आ जाओ आ जाओ। पानी में? प्लीज प्लीज। तो हक्की पिक्की के मेरे दोस्तों के साथ मैं निकल पड़ा जड़ी बूटियों का खजाना ढूंढने, जिसमें पहले ब्रह्मी को इकट्ठा करने के बाद हमने भृंगराज को इकट्ठा किया, जो मेरे अर्थी पर पड़े बालों को जलने से पहले जीवन दान दे देगा। दोस्तों, लोगों के गांड की खुजली का कोई इलाज नहीं है, पर बालों की खुजली के लिए मैंने इकट्ठा किया थोड़ा। हे भगवान, इस जड़ी बूटी का नाम था दीवानी तंबूरी, जो दो मुहे बालों का इलाज करती है। काश ये दो मुहे इंसानों का भी इलाज करती तो आज उस क्लोडिया के मुंह में डाल देता। ये जड़ी बूटी दोस्तों। अपने अगले पड़ाव पर हमने नीलांबरी इकट्ठा करी, जो बालों को लंबा करती है। मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए इसको कहीं और भी रगड़ा, पर वो सौदा लंबा नहीं। ये वाली स्क्रिप्ट समय रहना ने लिखी है क्या? नहीं हो पाया दोस्तों, उल्टा रैशेज और पड़ गए। आप ये मत करना, ये सिर्फ बालों के लिए है। उसके बाद हमने जंगली करी पत्ता, जंगल की तुलसी, बालंबरी और अम्ब्रेलो जैसी जड़ी बूटियां तोड़ने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट भृंगराज की जड़ी बूटी पर जा पहुंचे। ये बालों को एक नई जान देता है, जैसे उसने मुझे दी थी, बस ये उसकी तरह बेवफा नहीं निकलेगी। ऐसे ही कुछ और जड़ी बूटियां तोड़ने के बाद मैं खुद को तुर्रम खान समझ के निकल पड़ा अकेले जड़ी बूटियां तोड़ने। पर मेरी हरकतें देखकर मेरे दोस्त ने मुझे माँ बहन की गंदी गंदी गालियां सुनाई और बोला कि झांट के बाल सी बुद्धि लेकर करली बाल वाला एटीट्यूड मत रख, साथ रहकर सही जड़ी बूटियां तोड़। सारी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के बाद हम जा पहुंचे अपने अगले पड़ाव पर। भाई आदिवासी हेयर ऑयल की इससे ज्यादा जबरदस्त ऐड किसी ने नहीं करी, मैं इतना मान गया हूँ। आदिवासी वालों को दबा के पैसे देने पड़ेंगे इनको। तो दोस्तों अभी का तापमान तकरीबन 21 या 22 डिग्री सेल्सियस है। हमारे दोस्त जड़ी बूटियों की तलाश में है, तब तक हम खाने की तलाश करेंगे क्योंकि अभी पूरा दिन बाकी है हमें। दादा दादा, क्या हुआ बिंदु? कोई तलाश नहीं करनी दादा, हमको मालूम था तुम ही हंग्री हो जाबे, इसलिए शिकार करें। नहीं, हम ब्रेड खाएगा दादा। आई केयर फॉर यू दादा, मैं ब्रेड।
अनलाइकली बियर ग्रिल्स लेके आया। क्या बात है बिंदु, बिंदु काफी स्मार्ट है। तो आज हम आपको बताएंगे कि जंगल में ब्रेड कैसे खाया जाता है फटाफट। पहले हम ब्रेड को चारों तरफ से देख लेंगे। खाया तो एक ही तरीके से जाता है कि इसमें कोई कमी ना हो, और उसके बाद हम इसे फेंक देंगे ताकि जंगली जानवर इसे खा के स्वस्थ रहे, और हम ढूंढेंगे मछली के अंडे, मगरमच्छ के अंडे और की कोर्चो बोका चदा। बिल्कुल चूतिया लगाता है, क्या करते हो तुम्ही? कांडो बोलता 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 मराठी में चलेगी। गाली तो एक लैंग्वेज में देखे जा, चूतिया। तो दोस्तों अभी हम तलाश करेंगे मगरमच्छ की खाल, क्योंकि वो मेरा पौष्टिक आहार है। तो चलिए खोज करते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही इस बीहड़ जंगल में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। ये क्या है? I don't want to see this, bro. नहीं। ये आई थिंक जंगली हाथी का फ्रेश मल है, और अरे नहीं यार, लाजवाब है दोस्तों। मैं इसको पूरा रखने वाला हूँ, और इसे खा के मैं थोड़ी देर सोऊंगा, जब तक मेरे दोस्त जड़ी बूटी का जुगाड़ कर रहे हैं, तब तक मैं ये खा के सोऊंगा दोस्तों। पता नहीं बिंदु, थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ चुकी है। अरे मेरे दोस्त आ जाओ, मैं तुम अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। बिंदु ये आदिवासी लोग हैं, ये बिल्कुल भी मिलनसार नहीं होते, ये हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। नेले ओदिरोदु व्हाट्सएप पर, मेरे पिताजी का कहना है कि व्हाट्सएप पर सब कुछ सच आता है। बिंदु हमला हो गया, बिंदु शिट। अरे डरो मत, अरे डरो मत, ये तुम्हारा वेलकम कर रहे हैं, डरो मत, आ जाओ। ऐसे वेलकम कौन करता है भाई, किसी की भी फट जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, शायद से ये लोग गुजरात से हैं, मैंने ये गेम बहुत खेला है। ये क्या है? गिफ्ट मेरे लिए। थैंक यू सो मच। ये लोग तो बस दिखते खतरनाक है, बट अंदर से बहुत ही क्यूटी पूकी हैं। अरे सर चलो तेल बनाते हैं। बिल्कुल वही करने तो आए हैं। बिंदु चलो तेल बनाने। बाय बाय। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अरे भाई साहब, मतलब लिटरली हिंदुस्तान लीवर भी इतनी अच्छी प्रमोशन नहीं कर पाता अपनी जितनी आदिवासी तेल की हो रही है इस टाइम पे। तेल बनाने के लिए क्यों भैया, आप लोग भी एक्साइटेड हैं? यस। तो कैसे कैसे बनता है ये तेल मुझे बताइए प्लीज। तो दोस्तों अभी हम डालने जा रहे हैं नारियल का तेल। एक मिनट, तोड़ो इसको, खोलो यार, ये तो बहुत आसान है। कोकोनट ऑयल है ये। कोकोनट ऑयल, इस काम में तो काफी मजा आ रहा है। बादाम का तेल, सॉरी। अब ये जो तेल डालने जा रहा है इसका नाम क्या है? अरंडी का तेल है। अरंडी का तेल क्या? अरंडी का तेल। ये जो तेल है इसका नाम हमारे उधर काफी अलग है, मतलब इसका मतलब मैं बता नहीं सकता। हम ये डाल देते हैं और बकवास नहीं करते। ये जो तेल है इसका नाम है सरसों का तेल, ये कपल काफी यूज करते हैं बालों। तो दोस्तों अब हम इस तेल में डालेंगे ये आदिवासी की कम्युनिटी वाले सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, कहते कपल काफी यूज करते हैं, फिर कहता बालों में। अरे भाई साहब, ये पक्का समय रहना ने लिखी है स्क्रिप्ट। सारी जड़ी बूटियां
जो हमने जंगल से तोड़ी थी, पर जंगल से हमने गीली जड़ी बूटियां तोड़ी थी, इनके पास ऑलरेडी सूखा स्टॉक है क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है। तो एक एक करके हम ये सारी जड़ी बूटियां इसमें डालेंगे। कम ऑन सर, ये क्या है? ये जंगल का आंवला है। जंगल का आंवला, इसका काम क्या है? ये बालों में तेल को अच्छे तरीके से पहुंचवाता है। ओके, लेट्स डू इट। ये सूखा एलोवेरा, सूखा एलोवेरा। ओके, बालों को स्ट्रेट रखने के लिए। स्ट्रेट, गो। ओके, बेंबाड़ा है। बेंबाड़ा, बेंबाड़ा, बेंबाड़ा। ओके, बेंबाड़ा, इसका काम क्या है? ये बालों को काला और स्मूथ करने का। काला तो मुझे करना है जी, अपने बालों को। इसमें कुछ डबल मीनिंग था क्या, बताना मेरे को। अगला, और ये ब्राह्मी, वाइट चंदन, रामाचा, रामाचा, नीरमोड़ी, नीरमोड़ी, गुलाब का फूल, गुलाब का फूल, ओके, जीरा, अरेठा, ये नीलांबरी है, बहुत महंगा होता है ये, बलमबुरी, मेथी दाना। सर ये ना, ये सीक्रेट है। एक छोटा सा जेस्चर देखो, टोटली ही मेड इट लुक सो फनी। अभी देखना है यहाँ पे रामाचा, नीरमोड़ी, गुलाब का फूल, पाउडर किया हुआ जीरा, अरेठा, ये नीलांबरी है, बहुत महंगा, वो करेगा वे, बलमबुरी, मेथी दाना। सर ये ना, ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट है, हमारा सीक्रेट है, ये किसी को नहीं बताते हैं। मुझे तो बता सकते नहीं होता, नहीं, प्लीज सर, अरे कान में बता दो। इन्होंने मुझे बहुत गंदी गाली दी है, सीक्रेट मसाले, यही मेन है, 108 एक जड़ी बूटी है ना, इसका ही है। वाओ, आग लग चुकी है दोस्तों, और हमें इस तेल को अब थोड़ी देर पकाना है। क्लॉडिया, ठुकरा के मेरा प्यार, ओ भाई, तो दोस्तों ये तेल बनाते बनाते तो मेरा तेल निकल गया। पता नहीं ये 250 साल से कैसे ही बना रहे हैं। सैल्यूट है इनके जज्बे को। ये लो, चप्पू चलाते चलाते मैं थक चुका हूँ, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। चलो बिंदु। अरे पो पो पो, अरे भाई बिंदु, ये भी कोई टाइम है मेरे कच्चे में हाथ डालने का? मेरे को भी मत छेड़ो प्लीज, प्लीज बिंदु, मेरा माल निकाल। बिंदु लगता है मुझे तुम्हें रोकना ही पड़ेगा, तुम्हारा हाथ पकड़ना ही पड़ेगा। Oh shit, the fuck! दादा, क्यों लो दादा, क्यों लो? इस काले सांप ने मेरे काले नाक पे हमला कर दिया। What? Are you frying me, guy? What happened? किसी के नाक पे कोई काट ले तो वो फाइन कैसे हो सकता है? Don't panic. We'll think something. Bindu, if you are my good friend, please help me out. How, nigga? Affected जगह पे। How, nigga? Nice. चूस के जहर निकालना पड़ेगा। तो मेरा चूस है, पागल है क्या? तुम्हारा नहीं बिंदु। ओए, 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 चवन्नी मेरी बात सुन, तुझे गफ्फार में भेजाऊंगा, 400 रुपए में, बकवास मत कर, मैं आ गए। यानी तुम मेरी मदद नहीं करोगे? गलती मेरी ही थी, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा बिंदु, अब क्या होगा? ओ यार, अब मैं उस चमत्कारी तेल का कमाल नहीं देख पाऊंगा अपने सर पे, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ओ बेचूत, ओ मेरे को वेस्ट दिल्ली नहीं घूमना चाहिए था यार, मेरी लैंग्वेज तीखी और दिल बड़ा हो गया वहां घूम के। लेट दले, लेट लेट, बिंदु, बिंदु, अरे जनाब अब क्या? ये ना बोल दे नकली सांप था। ओ भाई, बड़े कमाल की बात है, जिस सांप ने मुझे काटा था वो बिल्कुल भी जहरीला नहीं है। मेरा काम डेटॉल से भी हो सकता था,
पर चुसले के लिए शुक्रिया बिंदु। चलो इसे खाते हैं, काफी लाजवाब लग रहा है देखने। आर यू सीरियस? आर यू सीरियस? नहीं कटेगा। तेल लगा दे रे सर पे, तेल लगा दे रे, लंबे लंबे बाल उगा दे, तेल लगा दे रे। सर जी मुझे मेरा तेल दे दो प्लीज। अरे ये थोड़ी जलेबी है, 3 घंटा लगता है इसको बनाने में। क्या 3? मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता बिंदु, मुझे मेरा तेल अभी चाहिए, कुछ करो। तेल चाहिए तो चलो ना, मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। हाँ? आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है इस तेल का? हमारे पास स्टॉक है, चाहिए तो आप वेबसाइट से ले लो, हमारे नंबर पे ले लो। हाँ? मतलब घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं? तो मैं ये जंगल पार, ये नदियाँ पार करके क्यों आया? अरे ये तो हम रोज करते हैं, आपको सिर्फ तेल लेना है ना, वेबसाइट पे लो, नंबर देख के लो। पागल हो क्या आप? अलग लेवल। ये तेरे चक्कर में हुआ है, तेरे चक्कर में हुआ है। एक मिनट, पर ये तेल असली है, इसका सबूत क्या है आपके पास? चलो मेरे साथ, आपको प्रूफ दिखाता हूँ, सबूत दिखाता हूँ। चलो चलते हैं, अभी पता लगेगा असली है कि नकली। चलो सर आपको दिखाता हूँ। आओ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। हाँ, हमारे तेल का कमाल। वाव, क्या बाल है बिंदु, मन कर रहा है मैं इसे अपनी पत्नी बना लूं। आप मेरे साथ चलेंगी? वाव, वाव, सॉरी, मेरे साथ फिर से धोखा हुआ है बिंदु, फिर से धोखा हुआ है। बट आपके बाल बहुत अच्छे हैं। तो सर ये जो बाल है इन लोगों के, ये सारे असली बाल हैं? असली बाल है सर। क्या बात है, प्लीज प्लीज मुझे ये ऑयल सौंप दीजिए सर, और मुझे ये भी बताइए कि इस ऑयल को मैं कब तक लगाऊं कि मेरे भी इतने घने बाल हो जाएं। 3 महीना लगाओ बस। 3 महीने? चाइला, इतना मगजमारी करके इधर काहे को आए फिर? Amazon Flipkart से ऑर्डर कर लेते ना भाऊ। सर Amazon पे ही स्कैम हो रहा है, 499 519 वाला है ना, वो आदिवासी लोग का तेल नहीं है, वो सिर्फ पानी आता है आपको। आदिवासी लोग का तेल है, आधा लीटर ही मिलेगा आपको। जो आदिवासी लोग का तेल लेना है ना, हमारा जो नंबर है बोर्ड पे दिख रहा है, वो नंबर पे कॉल करो, वेबसाइट लिंक देते हैं हमको, वो देंगे आपको, उस पे ऑर्डर करो, आदिवासी लोग का तेल आएगा। अच्छा, क्या बात है। तो इस तेल के फायदे क्या है? सर ये झड़ने टूटने वाला बाल है ना, उसको रुकावट करता है, घना लंबा मजबूत करके डैंड्रफ हटाता है। जो आपको 1 साल से 2 साल से बाल का परेशानी रहता है ना, उसको क्लियर करता है, 3 महीने में आपको अच्छा रिजल्ट देता है। क्या बात है। तो आपका तेल अगर कोई खरीदता है तो उनको कैसे पता लगेगा कि ये ओरिजिनल है या ऑथेंटिक है, कैसे? सर हमारा जो प्रोडक्ट है ना, ये लाइसेंस वाला है, जो आप हमको फोन करेंगे, आपको वेबसाइट पे लेंगे, आपको लाइसेंस नंबर मिलेगा, ठीक है? अच्छा मानिए कल को ये जो बिंदु है ये बिल्कुल सफाचट गंजा हो जाए, तो इसके सर पे बाल आएंगे ये तेल लगा के? नहीं आएगा सर, क्योंकि हथेली जैसा जो बाल हो जाता है आपका सर का, वहीं पे ये तेल काम नहीं करेगा। जो रुई रुई जैसा बाल रहता है ना, रुई रुई जैसा जो थोड़ा थोड़ा बचा है, उसको बचाना है, वो बाल को ये तेल काम करेगा अच्छी तरीके से। जो पूरी तरीके से गंजापन हो चुका है, हथेली जैसा हो चुका है आपका बाल, वो उस पे ये तेल काम नहीं करेगा। अच्छा सर एक पर्सनल क्वेश्चन है, अगर कल को मैं बाप बन जाता हूँ और छोटा बियर आता है, तो मेरी बीवी ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में बाल झड़ते हैं महिलाओं के, तो ये तेल उसमें भी हेल्प करेगा क्या? मेरी बीवी के बाल सुरक्षित रहेंगे? जी जी जी, जो प्रेगनेंसी में मेन है। पर क्लाउडिया तो चली गई ना। लेडीज के लिए प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी क्या होता है, बाल बहुत झड़ते हैं, ये तेल यूज करने से। इसमें कोई तरीके के केमिकल नहीं रहता है, कोई तरीके का मेडिसिन नहीं रहता है, ये प्योर ऑर्गेनिक होता है। आपने देखा होगा प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, वही है। प्रेगनेंसी भी, प्रेग्नेंट लेडी भी यूज कर सकते हैं और आफ्टर प्रेग्नेंट लेडी भी यूज कर सकते हैं आराम से। क्या बात है सर, वैसे इन सभी के बाल यही तेल लगा के घने हुए हैं? जी यही तेल लगा के घना हुआ है। ये देखो मैडम का चार लोगों का 20 साल का बाल है, 1 साल का बाल है। वाओ, क्या बात है। अभी जेंट्स का भी देखो, ये भी 1 साल से लगा रहे हैं, 3 महीने से लगा रहे हैं। बहुत खूब, क्या बात है, ये तेल तो कमाल का है सर। क्या मैं ये तेल ले जाऊं? क्या मैं ले जाऊं? मैं पूछ क्या रहा हूं, मैं तो लेके जा रहा हूं। अरे भाई पैसे पैसे। तो बिंदु मिशन पूरा करके तुम्हें कैसा लग रहा है? आई एम वेरी हैप्पी दादा। अब क्लॉडिया को उसकी औकात दिखाऊंगा, जब मैन बन बना के बाहर निकलूंगा तो उसके खानदान की पूरी कच्ची गीली हो जाएगी। भैया हम कह रहे थे कि एक फोटो हो जाए मिशन का। हाँ जरूर मैं लेता हूँ। बहन चोद, लीजिए लीजिए, बुलार मार दीजिएगा।
भैया भैया ये पूरा पीछे ब्लर मार दीजिएगा। हाँ एक बढ़िया सा पोज दो यार। वेरी नाइस, बहुत खूब आ रही है। बियर की बंदी, मैंने बियर को छोड़ दिया है, अब तुम ही हो मेरे टेडी बियर। मेरी लाइफ में कोई और आ चुका है। क्या सुंदर बाल हैं उसके, उफ। भूल जाओ क्लोडिया को, मूव ऑन। क्यों हो गया वीरे, फोटो खींचे की कर रहा है? ओ, ए, ए, मैं तुहानू सुन। ओ माँ के ले भाया, दादा भाया, तेरी माँ की अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करना, और जरूर बताना भाई कि अगला पार्ट मैं कहां करूं, लाइक स्नो में, डेजर्ट में, क्योंकि मैं सही बताऊं ये मेरे लिए बस एक एक्सपेरिमेंट था यार। स्नो में करो, मजा आएगा स्नो वाला देख के। ये वाली जो वीडियो थी, आगे जो मैंने सोचा है वो मैंने सोचा है कि हाँ इसको और बड़ी आईपी बनाते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं। तो ये बताना कि अगला पार्ट कैसे क्या करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भाई कि जो ऑयल का प्रमोशन मैं करने गया था वहाँ, उस नाम पे भाई बहुत से नकली ऑयल बेचे जा रहे हैं, बहुत से स्कैम्स चल रहे हैं, लेकिन हम जो लेके आए वो है ओरिजिनल। तो नीचे दिए गए लिंक से आप लोग जाके खरीद लेना, क्योंकि गाइस ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। और किसके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, तो जाओ इनके मेहनत का फायदा उठाओ यार। जाओ लिंक है नीचे, वहां से जाके ऑयल खरीदो और यूज करो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। बिल्कुल भाई, बहुत ही जबरदस्त मेहनत से बनी हुई वीडियो लग रही थी, एंड ओवरऑल देख के बड़ा मजा आया। आपको कैसा लगा प्लीज बताओ मेरे को। एंड जिसको भी आदिवासी ऑयल खरीदना है तो भाई ने लिंक दिया है, वहां जाके क्लिक करो। ये वाली वेबसाइट खुलती है, खोल के दिखा देते हैं, यहां से आप खरीद सकते हो। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मेरे को मतलब बहुत मज़ा आया वीडियो देख के यार। एक तेल ही प्रमोट करने गए एक तरीके से, लेकिन इन्होंने अपना एक कंटेंट अच्छा बना लिया। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि ये चीज़ करने जाते हुए, तो बट आई एम इन लव विद द वे पूरब इज़ एक्चुअली पुटिंग अप कंटेंट राइट नाउ। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना, बिकॉज आप लोगों के लिए हम अब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कंटेंट लेके आ रहे हैं। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ये चैनल लिटरली चेंज करने वाला है कुछ डायनामिक्स अभी, बहुत जल्दी लाइक कर दो, शेयर एंड सब्सक्राइब। विल सी यू इन अनदर वीडियो गाइस। जय हिंद।